इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती युवक में चांदीपुरा वायरस संक्रमण जैसे लक्षण देखे गए हैं। पुष्टि के लिए मरीज के नमूने को जांच के लिए पुणे भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो जिले में अभी तक एक भी चांदीपुरा वायरस का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश शुरू हो गई है। शिवपुरी में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं राजधानी भोपाल में रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो कुछ दिन ही बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनके मानदेय में 20% की वृद्धि की जा रही है, यानी पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर 14,000 कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अड्डेबाजी चेकिंग से चोरी का खुलासा हुआ। यहां शंकर नगर चौपाटी के पास सेक्टर 1 के सुने मकान में चोरी हुई थी। आरोपी से पुलिस को एक जोड़ी सोने का कंगन, 2 सोने की अंगूठी, 1 चांदी की पायल सहित कई ज्वेलरी मिली। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई घटना का मध्य प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। एमपी के सभी जूनियर डॉक्टर काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में इसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जबरन धर्म परिवर्तन करने वाले पास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि वह लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करता था। आरोपी ने पिछले 2-3 साल अपने घर को अस्थायी धार्मिक स्थल बना रखा था। इसकी शिकायत पीड़ित महिला ने पुलिस से की थी। महिला का पति भी आरोपी के बातों में आकर घर में धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को मंडला में एक उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को खुशखबरी दी है। बताते चले कि आगे उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पर 450 रुपए की छूट की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि गैस कनेक्शन योजना के तहत सरकार हर सिलेंडर पर 450 रुपए की छूट देगी। अल्लाह के नाम पर वफ, दान की हुई जमीन पर नियत खोरों की गिद्ध नजर किस तरह लगी है, इसका अंदाजा इंदौर स्थित वफ जमीन के हालात देख कर लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश वफ बोर्ड के आधिपत्य की इस जमीन के फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करवा लिए गए। बदनीयत यहाँ भी नहीं रुकी तो इस जमीन का सौदा एक नहीं कई बार कर दिया गया। टीकमगढ़ विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने 8 अगस्त को अपनी कावड़ यात्रा बुंदेलखंड के अयोध्या ओरछा से शुरू की थी, जो सोमवार की दोपहर टीकमगढ़ पहुंच गई है। इसके बाद 6 किलोमीटर और चल के आज बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुंडलेश्वर धाम में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही उनकी यात्रा का समापन हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा में जाने से पहले सावन के झूले का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में सावन और झूले का अनूठा संगम है, जो हमें नव ऊर्जा एवं नव उल्लास से भर देती है।